हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले वो है क्लास ट्वेल्थ की सेकंड पार्ट की बुक से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति, सूफी और परंपराएं। तो बच्चों, अभी तक जो हमने जो इसके अंदर तीन पार्ट इसके निकल चुके हैं, तीन पार्ट जो रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर या आई बटन के अंदर से ना देख सकते हैं। तो जो आज जो टॉपिक होने वाला है वो है इसके अंदर इस्लामिक और सूफी परंपराएं। तो यकीन कीजिए, आप शुरू के दो तीन क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, आप उन्हीं से ही पता लग जाएगा आपको कितना वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। सूफीवाद से आप क्या समझते हो तथा इसके सिद्धांत बताइए। तो इसका आंसर आपके सामने है, सूफी शब्द का अर्थ साधारणतया मुस्लिम संत के लिए होता है। सूफी वे संत थे जो पवित्र होते थे तथा उनसे निकलने वाला विचार ही सूफीवाद कहलाया। सूफी इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। उसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि सूफीवाद के सिद्धांत बताइए। तो इसका आंसर आपके सामने, इस्लाम में सूफीवाद उदारवादी सिद्धांत को मानने वालों को सूफी कहा जाता है। इसके सिद्धांत इस प्रकार से, नंबर फर्स्ट, ये शांतिपूर्वक धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ये लोग रहस्यवादी थे, अल्लाह की खोज में अपना मुख्य उद्देश्य ये अल्लाह की खोज को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते थे। और उसके बाद नेक्स्ट है ये आपके सामने, सूफीवाद के अनुयायी भोग विलास के घोर विरोधी थे। और इसके अलावा सूफी संप्रदाय एकेश्वरवाद में विश्वास करता था तथा वह हमेशा मुक्ति का उपदेश देता था। बाकी आपके सामने आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है, इस्लामी परंपरा का भारत में उद्भव किस प्रकार हुआ, मतलब इस्लामी परंपरा का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ। तो इसका आंसर आपके सामने, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नाम से एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर किया। सबसे पहले सिंध को जीता और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया, मतलब अपने क्षेत्र में उसे शामिल कर लिया। उसके बाद लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्की अफगानी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, मतलब धीरे धीरे फैलते फैलते वो 720 से 1300 आते आते दिल्ली सल्तनत की नींव रखी तथा समय के साथ साथ दक्कन तथा अन्य भागों में भी उनकी समय के साथ साथ दक्कन तथा अन्य भागों में भी उनकी सल्तनत सीमा का प्रसार हुआ। और 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी यह चीज़ें बरकरार रहीं। इस प्रकार भारत में इस्लामी परंपरा का भारत में उद्भव हुआ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसे देख के भी समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से आएगा, इस्लामी कानूनों का स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका आंसर आपके सामने, इस्लामी कानूनों का स्रोत शरिया, जिसे मुसलमान समुदाय का निर्देशित करने वाला कानून कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कुरान, जिसे उनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तीसरे नंबर पे है हदीस, जिसमें उनकी दीन की बातें होती हैं। चौथे नंबर पे कियास, सदृश्यता के आधार पर जिसमें तर्क होते हैं, सदृश्यता के आधार पर तर्क होते हैं जिसमें। और पाँचवें नंबर पर इजमा, जिसमें समुदाय की सहमति से जो कानून बनते हैं वो। तो इन सब बातों पर इस्लाम में कानूनों का स्रोत इन्हीं को माना जाता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से, उलमा से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर आपके सामने, उलमा आलिम का बहुवचन है। इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे वे इस परिपाटी जो भी इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे वे इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक कानून व अध्ययन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। उलमा का मतलब होता है इस्लाम के जो ज्ञाता होते थे वो। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, बच्चों, जिम्मी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपके सामने, जिम्मी का अर्थ है संरक्षित श्रेणी। ये वे लोग थे जो इस्लामी धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। एक बार जजिया कर देने के बाद ये संरक्षण के पात्र हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों इस तरह से आएगा, मुगल शासक अपने आप को कैसा बादशाह व कैसी नीति अपनाते थे? तो इसका आंसर आपके सामने, मुगल बादशाह अपने आप को ना केवल मुसलमान हो बल्कि सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वे लचीली नीति अपनाते थे। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू जैसे पारसी ईसाई तथा यहूदी धर्म संस्थाओं को भी दी। इनमें अकबर और औरंगजेब भी शामिल थे। तो ये आपके सामने है इसका आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख बातें कौन सी हैं? तो इसका आंसर आपके सामने, इस्लाम धर्म की पहली बात है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है तथा पैगंबर उनके दूत है। उसके बाद दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तीसरा, खैरात व जकात बांटनी चाहिए। चौथा, रमज़ान के महीने में रोजे रखने चाहिए। और 5वां, ज़िंदगी में 1 बार हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये है इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख बातें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से, इस्लामी संप्रदाय के व्यवहार में कौन से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं? तो इसका आंसर है, अक्सर संप्रदाय शिया व सुन्नी के विचार व व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है। इसमें इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया, क्योंकि इसके अंदर ये माना गया कि इस्लाम में शिया और सुन्नियों के विचार और व्यवहार में भिन्नता देखने को मिलती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, बच्चों जीनन शब्द का अर्थ बताओ। तो जीनन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से है। ज्ञान नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान में गाए जाते थे। जीनन शब्द का अर्थ, जो एक तरह से गीत होते थे, भक्ति गीत नाम से होते थे और प्रार्थना के लिए गाए जाते थे। तो बच्चों फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।